आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद झारखंड में कांग्रेस के विधायक दल के नाम पर चर्चा शुरू हो गई। इसके लिए झारखंड में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हुई। इस बैठक में कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद रहे। इस बैठक में एक रेजोल्यूशन पास कर आलाकमान को फैसले के लिए अधिकृत किया गया है। जो आज दिन भर की बैठक हुई है उससे फलाफल ये निकला है और सभी लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास किया। पहले एक्सटेंडेड जो हमारी कमेटी की बैठक हुई कि हम अपने नेताओं का आभार व्यक्त करते हैं और आदरणीय विशेषकर आदरणीय राहुल गांधी जी का, जिन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और उसका फलाफल झारखंड में बेहतर परिणाम आए। अभी विधायक दल की बैठक हुई, उसमें भी सारी बातों पर चर्चा हुई और सभी विधायकों ने एक स्वर में अपने आला कमान को, हमारे नेतृत्व को अधिकृत किया है कि कौन हमारा विधायक दल का नेता होगा। चूँकि आप जानते हैं हमारे सब विधायक एक से एक हैं, बढ़कर हैं, और निश्चित रूप से उन लोगों को भी आपस में चुनने में दिक्कत होती है। सभी लोगों ने आपस में तय करके ये तय किया कि आला कमान को हम लोग अधिकृत करते हैं, जो फैसला होगा सिर माथे पे होगा। कब तक ये फैसला आ जाएगा? निश्चित रूप से आदरणीय प्रभारी जी इस रिजोल्यूशन को लेके जाएंगे, उसके बाद चर्चा होगी और फिर हम लोग उस पर फैसला। एक से एक विधायक जो लीड नहीं दिला पाए उनको भी कुछ ज्ञान दिया आपने? नहीं, देखिए जब चर्चा होती है तो हमारे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग ज्ञानी ही उसमें बैठते हैं और सभी लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात को रखते हैं। आपके नज़र में ये लगता है कि कोई विधायक वहाँ पिछड़ गया अपने क्षेत्र में, लेकिन आप जब देखेंगे फिर उसको बारीकी से या उनसे पूछेंगे तो बताएंगे कि पिछली बार 52,000 आया था, इस बार 62,000 आया है। तो देखने का अपना अपना नज़रिया है, कौन किस चश्मे से देखता है उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। सकारात्मक तरीके से देखेंगे तो लगेगा कि 16 लाख इंडिया गठबंधन के वोट बढ़े हैं, 9.5 से 10.5 लाख तक कांग्रेस के वोट बढ़े हैं। तो देखने का अपना अपना नज़रिया है और उस नज़रिए से सभी लोग अपनी अपनी बात को जस्टिफाई करते हैं। वहीं गुलाम अहमद मीर ने बताया कि विधायक दल की बैठक में राहुल गांधी के अभियान की तारीफ की गई। मीर ने कहा कि अब आलाकमान तय करेंगे कि विधायक दल का अगला नेता कौन होगा। ये बहुत आवश्यक थी क्योंकि अभी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज लोकसभा चुनाव का इख्तिताम हुआ, अंजाम पर गया, तो उसके बाद में जैसे आपने दिन में देखा, हमने स्टेट के एग्जीक्यूटिव बॉडी के साथ में इंटरेक्शन किया और उसके बाद आज इनका रखा था। तो अब जैसे एक तरफ इनको थैंक यू दे दिया तो दूसरी तरफ से हमें आने वाले नए मरहले के लिए भी तैयार होना था, तो उसमें आपस में चर्चा किया और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा चर्चा रहा। क्या विधायक दल के बैठक की नया का चयन कर लिया आप लोगों ने? तो उस पर भी चर्चा हुई, उस पर भी चर्चा। तो उसका तो तरीका है इनसे राय मशवरा लेकर के सब लोगों से और अल्टीमेटली एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें पार्टी हाईकमांड को ऑथोराइज किया गया कि वो सारी चीज़ देखकर जिस किसी को हमारा CLP लीडर बनाएगा वो हम सबको मांगे। यहाँ के विधायकों की राय किसके साथ में है? एक नहीं, दो तीन नाम बता दीजिए संभावित, दो तीन नाम जो इसमें यही राय थी। विधायक दल के नेता पद के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर रामेश्वर उरांव का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि आलाकमान किसे यह दायित्व संभालने को कहते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।